नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर दर्शकों डीटीवी न्यूज। आज दर्शकों डीटीवी न्यूज के माध्यम से मैं प्रदीप शर्मा आपको ये लाइव आपको ये दर्शकों प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। हम साफ साफ बात कर रहे हैं दर्शकों, यानी किसान इस वक्त घागस नगीना रोड पर अपने घरों से बाहर निकल करके किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ महिला किसानों का दिल्ली मार्च, यानी ये मार्च दर्शकों दिल्ली की ओर कूच करेगा। ये दर्शकों किसानों से हम बात करते हैं जो ये अध्यादेश आए हैं इनके खिलाफ किसानों में कड़ा गुस्सा है। किसान अपनी मांगों को लेकर के दर्शकों रोडों पर उतरा हुआ है, अपनी मांगों को लेकर के दर्शकों किसान दिल्ली कूच कर रहा है। मेवात के किसान दर्शकों सबसे बड़ी खबर डीटीवी न्यूज के माध्यम से दे रहा हूं दर्शकों, ये देखिए ये साफ साफ किसानों यानी किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ महिला किसानों का दिल्ली मार्च, ये दर्शकों सबसे बड़ी खबर डीटीवी न्यूज के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। अच्छा जी, कहाँ पे जा रहे हो, क्या कहना चाहोगे आप? भाई हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं, कैसे, क्यों, क्या कहना चाहोगे? काला कानून बनाया है वापस करवाने के लिए। आपकी क्या क्या मांगे हैं, क्या चाहते हो आप? हमारे किसानों की यही मांग है, सरकार अपनी जो कानून बनाई वो वापस ले, इसको वापस ले। देखिए साफ साफ दर्शकों आप देख रहे हैं जो एक कानून बना रही है सरकार, जो तीन कानून आई है इनके लिए, इनके खिलाफ सड़कों पर मेवात की जनता मेवात के किसान उतरे हुए हैं, ये दिल्ली की ओर कूच करेंगे। दर्शकों यहाँ के कुछ और किसान भाइयों से हम बात करने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त दरअसल जा रहे हैं, किसान को गुलाम करना चाह रहे हैं। साफ साफ इनको कहना है प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी इस वक्त यहाँ मौजूदगी में आ चुका है, पुलिस प्रशासन की भी यहाँ आपको मौजूदगी नजर आ रही है को डीटीवी न्यूज के माध्यम से। ये देखिए ये पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी यहाँ आ चुकी है, दरअसल प्रशासन भी यहाँ मौजूदगी में आया है किसानों से बात करने के लिए, किसानों से बात करने के लिए। दर्शकों डीटीवी न्यूज की सबसे बड़ी खबर ये देखिए, प्रशासन भी इस वक्त यहाँ आया, प्रशासन से बात करते हैं, लोगों से बात करने के लिए आए। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से बात करने के लिए आओ आप? ऐसा है, इनको समझा रहे हैं, सारा हरियाणा बॉर्डर सील कर रखा है और किसी की भी इजाजत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ये सख्त आदेश है, कोई भी आदमी दिल्ली नहीं जाएगा। जी, फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप इनको, किस तरीके से बात बुलाया है? तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को बुलाया है मौके पर, इनको समझा रहे हैं हम रोक रहे हैं, ठीक है, कोई भी आदमी दिल्ली नहीं जाएगा। जो कोशिश कर रहा है समझाने की कि किसानों को समझाया जाए, जो ये कानून आए हैं इनके खिलाफ किसान यानी दर्शकों बड़कली यानी नगीना जाएंगे, नगीना से बड़कली ची और यानी दिल्ली की ओर ये मार्च जाएगा। दर्शकों प्रशासन भी यहाँ तैनात दिख रहा है, प्रशासन भी लोगों को समझाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए यहाँ मौजूदगी में आया है। तो फिलहाल इतना ही दर्शकों, बने रहे डीटीवी न्यूज के साथ, यहाँ कभी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।